हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक कर रहे हैं शो दैट द सेट इज़ अनबाउंडेड। ये एक एग्जांपल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसमें अनबाउंडेड सेट हमें शो करना है। अनबाउंडेड का मतलब क्या है? द सेट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। ये सेट बाउंडेड अबव भी नहीं है और ये सेट बाउंडेड बिलो भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करनी है। सेट इज़ नॉट बाउंडेड अबव एंड नॉट दिस इज बाउंडेड बिलो। क्लियर? ये हमको सेट गिवन है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसको ध्यान से समझना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बट ध्यान से देखने वाली है। वाई इज इक्वल टू, हम ये जो कर दिए गिवन है हमें सेट 3 - x 1 - x, इसको हम वाई ले लेते हैं। 3 - x ओवर 1 - x हमें गिवन क्या है? एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? अगर एक्स 1 हो जाएगा तो ये तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हमें गिवन है। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, 1 - x, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई 1 - x इज इक्वल टू 3 - x। क्लियर? y - yx इज इक्वल टू 3 - x माइनस yx प्लस x इज इक्वल टू 3 - y। हमने x वाले को एक साइड पे कर लिया, देन x कॉमन, y - 1 - y इज इक्वल टू 3 - y। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - y ओवर 1 - y। क्लियर है इतनी सी चीज़? अब आपको गिवन क्या है? x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आई है ये वाली, तो इसको हम कर देते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 - y ओवर 1 - y ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई है? ग्रेटर देन 0। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, ये हमारी आगे यूज़ होने वाली है वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं। 3 - y 1 - y ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास टू केसेस अराइज होते हैं। केस 1 क्या है इसमें? केस 1 अराइज होता है कि इफ 1 - y इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, 1 - y अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा? फर्स्ट केस हमारा अराइज हुआ 1 - y इज ग्रेटर देन 0। 1 - y ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि y - y इज ग्रेटर देन -1 एंड y विल बी लेस देन 1। ये कैसे हुआ देखिए, -y > -1 ये तो आपने देख लिया कि माइनस को मैं इधर ले आई। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि -1/2 इज ग्रेटर देन -1, ये तो क्लियर है आपको। अगर मैं 1/2 की बात करूं दैट विल बी लेस देन 1। क्लियर? जब मैंने उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये जो साइंस है वो चेंज हो जाएगी। 1/2 अगर y की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1। क्लियर? ऐसे ही हुआ कि y विल बी लेस देन 1। ये जो साइंस है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन मेरा चेंज हो गया, y लेस देन 1, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 - y > 0 यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, तभी ये दोनों वैल्यूज जो है न्यूमिनेटर में भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तभी ये एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 - y है फ्रॉम फर्स्ट, 1 - y इज ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज 3 - y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि -y विल बी ग्रेटर देन -3 एंड y विल बी लेस देन 3। ओके, अब ये देखिए नंबर लाइन में 1 यहाँ पे, 2, 3, 4 ये आपकी नंबर लाइन होती है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कि y इज लेस देन 1, y की वैल्यूज जो है वो सारी लेस देन 1 है यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक जा रही हैं। एंड y इज लेस देन 3, 3 से भी छोटी है, 1 से भी छोटी है। इसका मतलब कॉमन क्या हुआ कि y वैल्यूज जो हैं वो लेस देन 1 है, और 1 से लेस देन कितनी लेस हैं ये हमारा कभी भी मेंशन नहीं है। तो हमारा वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं? माइनस इन्फिनिटी तक जा रही हैं। y की वैल्यू कहाँ तक आ गई हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, y की सारी वैल्यूज़ 1 तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज जो y की वैल्यूज़ हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक है। क्लियर? अब नेक्स्ट केस हमारा क्या बनता है, केस 2। देखिए फर्स्ट केस में हमने किया कि अगर हमारे पास 1 - y की जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाए। सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि 1 - y अगर एक नेगेटिव वैल्यू हो जाए, अगर ये लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? ठीक है, 1 - y इज लेस देन 0, इसका मतलब -y विल बी लेस देन -1 एंड y विल बी ग्रेटर देन 1। क्लियर? इस केस में क्या हो जाएगा, y विल बी ग्रेटर देन 1। अब y हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया। अब एक चीज़ और, हमारे पास हमें गिवन है
कि हमने x की वैल्यू ऐसे निकाली थी कि 3 माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता है कि जो 3 माइनस वाई है और 1 माइनस वाई है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है. ग्रेटर देन ज़ीरो है मीन्स ये एक पॉजिटिव वैल्यू है. अब मैंने कह दिया कि 1 माइनस वाई जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, ये जो नीचे 1 माइनस वाई है ये एक नेगेटिव वैल्यू है. अब ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी, कि अगर मेरा न्यूमिनेटर में भी क्या आ जाए, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए. ठीक है ना, ये पॉजिटिव कब बनेगी, जब यहाँ पे भी ऊपर भी नेगेटिव होगी नीचे भी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी. मीन्स ऊपर अगर माइनस टू है नीचे माइनस फोर है तभी तो एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी ना, जब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. तो इसका मतलब अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू को नेगेटिव बोला है तो ये जो मेरी ऊपर वाली वैल्यू है 3 माइनस वाई न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है, तो इट इम्प्लाइज 3 माइनस वाई विल बी लेस देन ज़ीरो. ये भी एक नेगेटिव वैल्यू होगी. ठीक है, माइनस वाई विल बी लेस देन माइनस थ्री एंड वाई विल बी ग्रेटर देन थ्री. अब अगेन हम वही नंबर लाइन देखते हैं अपनी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. मैंने यहाँ से कह दिया वाई इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि वाई की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो 1 से ऊपर जा रही है, और वाई इज़ ग्रेटर देन 3 वो सारी वैल्यूज़ 3 से ऊपर जा रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो ये वाली वैल्यूज़ हैं. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं कॉमन जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई की वैल्यू जो है वो कहाँ से लाई कर रही है, वाई इज़ इक्वल टू y will be from 3 to infinity. ठीक है, इसे आप दे दीजिए, यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था तो इसे आप दे दीजिए नंबर 2, और ये जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 3 to infinity इसे आप दे दीजिए नंबर 3. तो हम लिख देंगे यहाँ पे from second and third जो values of y है वो कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. अब देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये माइनस इन्फिनिटी वाली साइड भी जा रही है, इन्फिनिटी वाली साइड भी जा रही है, तो इसका मतलब सेट क्या हुआ कि सेट की कोई बाउंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और लेफ्ट साइड पे भी जो कोई बाउंड नहीं है, तो मीन्स की जो ये जो सेट है ये सेट बाउंडेड अबव नहीं है, ये सेट बाउंडेड बिलो भी नहीं है, बिकॉज ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक भी जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक भी जा रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट इज़ नाइदर बाउंडेड अबव एंड नॉर बाउंडेड बिलो. तो इट इम्प्लाइज द सेट एस इज अनबाउंडेड. क्लियर, यहाँ आप लिख सकते हैं नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबव. अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.